उत्तराखंड में एक फल होता है जिसका नाम काफल है, और इस फल के बारे में सिर्फ उत्तराखंड के लोग ही जानते हैं, क्योंकि ये फल मार्केट में कहीं भी नहीं मिलता। ये फल गर्मियों में जंगल में अपने आप उगता है, और जब ये फल आता है, इस फल के साथ दो चिड़ियाएं भी आती हैं, जिनमें से एक चिड़िया कहती है, काफल पाको मिलनी चाखो, यानी काफल पक गए लेकिन मैंने नहीं चखे, और दूसरी कहती है, पताच बेटी पताच, यानी पता है बेटी पता है। तो ये दो चिड़ियाएं काफल के साथ क्यों आती हैं और ये ऐसा क्यों बोलती हैं? इसके पीछे एक दर्द भरी कहानी है। ये बहुत समय पुरानी बात है। उत्तराखंड के छोटे से गांव में एक मां और बेटी रहती थी जो बहुत गरीब थी, और उनके पास आय का कोई भी साधन नहीं था। उनके पास एक छोटा सा खेत था जिस पर उस बच्ची की मां खेती कर बहुत मुश्किल से अपनी गुजर बसर करती। लेकिन जब भी काफल का मौसम आता तो उस बच्ची की मां जंगल से काफल तोड़कर लाती और उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा लेती, जिसकी वजह से उनके कुछ दिन आराम से निकल जाते। उस बच्ची की मां को पूरा साल काफलों का इंतजार रहता। एक सुबह की बात है, उस बच्ची की मां सुबह सुबह जंगल से काफल तोड़कर ले आई। लेकिन उस सुबह उसे खेतों में काम करने के लिए जाना था। उसने सोचा कि वो शाम को काफल बेचने जाएगी। उसने अपनी बेटी से कहा कि मैं खेतों पर काम करने के लिए जा रही हूं, और जब मैं वापस आऊंगी तब मैं अपने हाथों से तुम्हें काफल दूंगी, उससे पहले तुम काफल मत खाना। और जब वो थक हार कर खेतों से वापस आई तो उसने देखा कि टोकरी में काफल बहुत कम बचे थे। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि मैं सुबह सुबह काफल तोड़ने गई, उसके बाद खेतों पर काम करने गई, और मेरे कहने के बावजूद इसने काफल खा ली। उसकी बच्ची काफल की टोकरी के पास ही सो रही थी। उसने गुस्से में एक जोरदार मुक्का अपनी सोती हुई बेटी को मारा, और वो मुक्का लगने के बाद उसकी बेटी कभी नहीं उठी। वो हमारी दुनिया छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। हालांकि उसकी मां का ऐसा कुछ भी इरादा नहीं था, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। और इस घटना के बाद उसकी मां कई घंटों तक उसी के सामने बैठी रही। दरअसल उस बच्ची ने काफल नहीं खाए थे। दिन में गर्मी बढ़ने के कारण काफलों की नमी कम हो गई थी और वो सिकुड़ कर छोटे हो गए थे, और इसलिए उसकी मां को लगा कि टोकरी में काफल कम है। जैसे जैसे शाम हुई वैसे वैसे हवा में ठंडक और नमी बढ़ी और काफल वापस अपने साइज में आ गए। ये देखकर मां को पूरी कहानी समझ में आ गई और उसको एक गहरा सदमा पहुंचा, और वो भी उसी शाम अपनी बेटी के साथ हमारी इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। कहा जाता है कि उस मां और उस बेटी की आत्मा दो चिड़ियाओं में चली गई जो हर साल गर्मियों के मौसम में आती हैं जब काफल आते हैं, और उसकी बेटी कहती है कि काफल पाको मिलनी चाको, यानी कि मां काफल पक गए मैंने नहीं चखे, और उसकी मां कहती है पता च बेटी पता च, यानी मुझे पता है बेटी पता है। तो काफल जैसे स्वादिष्ट फल के पीछे ये एक दर्द भरी कहानी थी।